हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम फुल लेयर अम्ब्रेला कट विथ फुल स्लीव्स कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए मैंने कितना फैब्रिक लिया है, इसको कैसे कट करना है, कैसे स्टिच करना है, वो आप पूरा वीडियो में देखना। और ये जो मैंने लटकन बनाए हैं वो भी कैसे बनाने हैं वो भी मैंने डिटेल में समझाया है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, और अच्छी लगे तो लाइक भी करते जाना। इसके लिए मैंने ये नेट ली है, ये टिश्यू नेट है, ये मैंने ली है 6 मीटर, और ये बटर क्रैप है, ये मैंने लिया है 3.5 मीटर। सबसे पहले हमें बटर क्रैप की कटिंग करनी है। इसको कैसे फोल्ड करना है वो सब पूरा हम आगे आगे वीडियो में देखेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना। कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड कर लेना है। ये रहेगी हमारी फोल्ड साइड और ये ओपन साइड। ये आप नाप देख लो। हमें फोल्ड साइड से मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमें शोल्डर का बॉक्स बनाना है। शोल्डर हमारा 12 इंच है तो उसका हाफ करना है तो 6 आएगा, तो 6 इंच का बॉक्स बना लेना है। यहाँ से 6 इंच लेना है, यहाँ से 6, और यहाँ से ऐसे करके 6 इंच का बॉक्स बना लेना है। देखो हमने शोल्डर का बॉक्स बना लिया। अभी हमें यहाँ से चेस्ट लेनी है। चेस्ट हमारी 30 है तो उसका 4 फोल्ड करना है तो 7.5 आएगा। उसमें 1.5 इंच सिलाई प्लस करनी है तो 9 आएगा। आपका जितना भी चेस्ट होगा उसका 4 फोल्ड करना रहेगा, उसमें तो जितना आएगा उसमें 1.5 इंच सिलाई प्लस करनी है, और जो आएगा वो आपकी चेस्ट हो गई। तो यहाँ पे हमें 9 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग कर ली। अब हमें कमर लंबाई लेनी है। कमर लंबाई हमारी 30 है तो उसमें 1 इंच सिलाई प्लस करनी है तो 40 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से यहाँ पे 40 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग हो गई। एक मार्किंग यहाँ पे कर लेनी है और एक मार्किंग यहाँ पे कर लेनी है। ये हो गया। अभी यहाँ से ऐसे में कमर लेनी है। कमर हमारी 24 है, उसमें उसका 4 फोल्ड करना है तो 6 आएगा। उसमें 1.5 इंच सिलाई प्लस करनी है। जैसे चेस्ट में किया ना सेम वैसे ही कमर पे भी करना है, तो 7.5 इंच पे यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। देखो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे मार्किंग कर ली, और ये दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ लेना है। फिर यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है। ऐसे 2 राउंड में निशान लगा लेना है और यहाँ पे इसको काट लेना है। ये काट के हो गया। अभी इसको कैसे काटना है, तो ये जो अंदर वाला 2 कपड़ा है ये पीछे की साइड रहेगा ना, तो इसको ऐसे अंदर कर लेना है, फिर इसको सीधा कर लेना है, और जो अंदर वाला ये हमने मार्किंग की थी इसको काट लेना है। ये वाला रहेगा ना वो आगे रहेगा, तो इसको ऐसे काट लेना है। ये हमने काट लिया। अभी जो हमने अंदर फोल्ड किया था ना उसको वापस से ऐसे सीधा कर लेना है। ये सीधा करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ही काट लेना। ये तो इतना ही रखना है, यहाँ से इतना थोड़ा सा ऐसे साथ में रख के काट लेना है। जैसे मैंने काटा ना सेम वैसे ही इसको भी काट लेना है। तो इसको मैंने ऐसे काट के हो गया। अभी पीछे की साइड जो रहेगा ना वो गले का निशान हम बाद में लगाएंगे, पहले आगे में लगा लेते हैं। तो इसको ऐसे सीधा कर लेना है फोल्ड, फिर यहाँ से हमें गले का निशान लगाना है। अभी यहाँ से गले का निशान लगाना है, तो इसको यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है, और आगे का गला हमारा 6 इंच है तो 6 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ऐसे मार्किंग करनी है, फिर इसको ऐसे वी शेप में, आपको जो भी शेप चाहिए उस शेप में इसको बना लेना है। ये देखो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली। अब इसको काट के भी कर सकते हैं, पर आप ऐसा करोगे ना तो यहाँ पे पॉइंट ठीक से नहीं आएगा। उससे अच्छा है इसको यहाँ पे पेस्ट करके जो मार्किंग आएगी उसकी पे सिलाई लगाओगे ना तो उससे और अच्छा गला दिखेगा। इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, फिर यहाँ पे हमने मार्किंग की थी उधर की साइड से इसको ऐसे प्रेस कर लेना है। घर की साइड पेस्ट करने के बाद इसको ऐसे खोल लेना है तो यहाँ पे भी मार्किंग आ जाएगी। अभी पीछे का गले की पीछे का गला बनाने के लिए भी सेम करना है। यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है, और आपको गले की लेंथ जितनी लंबी रखनी है उतनी ले लेनी है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ले लिया है। फिर ऐसे बॉक्स बना लेना है और ऐसे राउंड में शेप दे देना है। आपको जो भी आपको शेप चाहिए वो यहाँ पे ऐसे शेप दे देना है। फिर इसको भी इधर की साइड से ऐसे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेना है तो इधर की साइड भी ये आ जाएगा। इसके ऊपर लगाने के लिए ये जो कपड़ा है इसको भी मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। ये हमारी ओपन साइड, ये फोल्ड साइड रहेगी। इस फोल्ड साइड पे ये पीछे का पार्ट हमने बनाया है ना, इसको ऐसे फोल्ड करके रख लेना है ऐसे। फिर ये कपड़े को इस अस्तर के कपड़े से 1.5 इंच या 1 इंच ज्यादा काट लेना है। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। इसको भी मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारी ओपन साइड रहेगी, ये फोल्ड साइड रहेगी। हमें फोल्ड साइड से मार्किंग करनी है, यहाँ से स्लीव्स की मार्किंग करनी है। यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ है हमारी 20, तो उसमें 1 इंच सिलाई प्लस करनी है तो 20 है तो 21 इंच पे यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेनी है। फिर हमें बगल उतारना है, वो कि
तीन इंच पे उतरना है, वो उसकी मैं डिटेल वीडियो अलग से बना लूंगी। आपको जो 5 इंच से ज्यादा रहेगा ना तो 3 इंच लेना है, 5 इंच से कम रहेगा तो 2 इंच लेना है। तो हमें 5 इंच से ज्यादा की स्लीव्स है ना, तो इसके लिए 3 इंच पे ले रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें जो मार्किंग करनी है ना मुड्डो, वो कैसे लेना है, तो ये जो हमने ऊपर का काटा था ना उसको ही नाप लेना है। यहाँ इतना तो शोल्डर में दबेगा तो इतना आधा इंच छोड़ लेना है और ऐसे नाप लेना है कितना आएगा। तो हमारा 8 इंच आया ना, तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। देखो ऐसे 8 इंच पे मार्किंग करके हो गए, तो ये हमारा मुड्डो हो गया। फिर ये ऐसे शेप दे देना है, ऐसे एक शेप दे दिया फिर दूसरा दे दिया। ये छोटी वाली साइज रहेगा वो आगे आएगा, वो तो आपको पता ही होगा। फिर यहाँ से हमें मोरी लेनी है, तो मोरी हमारी कितनी है 6, तो उसका हाफ करना है तो 3 इंच आएगा। उसमें सिलाई प्लस करनी है 1 इंच, तो 4 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे रख के इसको रख के यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ऐसे 4 इंच पे मार्किंग कर ली, ये हमारी मोरी हो गई। फिर इस पे जो हमने मार्किंग की थी ना, ये दोनों पॉइंट्स को ऐसे रख के जोड़ लेना है। देखो ये सीधी लाइन करके हो गया। अभी जो हमने मार्किंग की थी उसको काट लेना है। हमने स्लीव्स काट के हो गया। अभी यहाँ पे ये जो 2 कपड़ा है ना उसको काटना है, पीछे वाला 2 है ना उसको नहीं काटना है। ये 2 है, इसको जो नीचे की साइड पे मार्किंग की थी ना उसको ऐसे काट लेना है। ये काट के हो गया। अभी इसको भी थोड़ा सा यहाँ से काट लेना है। ऊपर वाला जो भाग है वो थोड़ी बड़ी साइज का ही रहने देना है। ऐसे ये काट के हो गया, और बीच में ऐसे कट्स लगा लेनी है। ऐसे हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अभी इसको साइड कर लेना है। ऊपर के पार्ट्स की कटिंग हो गई। अभी नीचे का जो गेयर रहेगा उसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें क्रैप की कटिंग करनी है। इसको ऐसे ऐसे रहता है ना, तो इसको ऐसे एक कॉर्नर से ऐसे एक बार फोल्ड कर लेना है। ये ध्यान से देखना, एक बार देखो, एक फोल्ड किया मैंने ये, तो 2 फोल्ड देखो, ये 2 कपड़ा रहेगा। वापस से एक बार करना है ऐसे, क्योंकि हमें ज्यादा गेयर चाहिए ना इसके लिए। ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे टोटल 4 फोल्ड कर लिया है मैंने। अच्छे से इसको टोटल 4 फोल्ड कर लेना है। फिर इसको ऐसे क्रॉस में फोल्ड करना है। ऐसे क्रॉस में फोल्ड हो गया। ऐसे हमारा देखो ये 4 रहेगा और ये नीचे का जाएगा, तो मतलब 8 फोल्ड हो गया ये। भी यहाँ से हमें कमर लेनी है। तो कमर कैसे लेनी है, तो ऊपर का जो पार्ट्स हमने काटा था ना, ये वाला पीछे का पार्ट्स मैंने लिया है, इसको तो ऐसे एक बार फोल्ड किया, फिर ऐसे वापस से फोल्ड कर लेना है। टोटल 4 फोल्ड हो गया ये। फिर इसको यहाँ पे ऐसे रख लेना है। इसमें कोई राउंड शेप नहीं देना है, सीधा जैसे रखना है ऐसे सीधी लाइन कर लेनी है। तो ये हो गई हमारी कमर। फिर इसकी लेंथ कितनी है, 42 है, 42 लेंथ है। और कमर लंबाई हमारी कितनी है, 30 है, 13 है, तो 13 कमर लंबाई है। तो हमें 1/2 इंच कम कर लेना है, तो 12/2 से मार्किंग करनी है। 12/2 से यहाँ से रख के 42 है, लेकिन हम ये अस्तर का कटिंग कर रहे हैं इसके लिए इसको कम रखना है। तो 41/2, 42 है ना, तो 40/2 पे मार्किंग करते हैं। 40/2 पे ऐसे मार्किंग कर लेना है, ऐसे यहाँ से 12/2 से लेके 40/2 पे मार्किंग कर लेना है। देखो 12/2 से लेके 40/2 पे ऐसे मैंने राउंड में सेप दिया, ये कमर हो गई। अभी इसको और इसको काट लेना है। इसको यहाँ से काट लेना है और ऐसे इसको भी काट लेना है। देखो ये काट के हो गया। अभी ये जो खुला कपड़ा है उसको, ये जो बंद कपड़ा है ना, यहाँ पे एक कट्स लगा लेनी है, ताकि समझ में आएगा कि ये बीच में आएगा। यहाँ की साइड कुछ काटना नहीं है। और यहाँ पे एक कपड़ा जॉइंट रहेगा ना, इसको काट लेना है। ये काट के हो गया। अभी यहाँ पे कपड़ा कम पड़ेगा ना, तो ये जो नीचे का कपड़ा बचा है ना, इसको यहाँ पे ऐसे रख के काट लेना है। जहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है उससे 1/2 इंच ऊपर रख के इसको काट लेना है। नीचे की साइड से भी ज्यादा कपड़े को काटना है, ऐसे यहाँ से तो सीधा ही काटना है। देखो ऐसे इतना ही जॉइंट लगाना है, पर मैंने देखो इतना कपड़ा काटा है ना, तो इतना ज्यादा कपड़ा काटना है। अभी इसको यहाँ पे जॉइंट लगाना है। जॉइंट लगाना है वो हम स्टिच करेंगे ना, तब देख लेंगे। अभी इसको साइड कर लेना है। इसके ऊपर के लिए जो कपड़ा है उसको अभी काटते हैं। इसको कटिंग करना है, वो इसको फोल्ड कैसे करना है ना, वो ध्यान से देखना। देखो ये कपड़ा ऐसे रहेगा ना, तो इसको ये दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ लिया, ये एक बार फोल्ड किया मैंने, फिर इसको वापस से फोल्ड कर लेना है। देखो
ये एक फोल्ड तो कर लिया, अभी वापस से इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद क्या करना है, ये जो रहेगा ना हमने फोल्ड किया, इसको इधर की साइड से ऐसे फोल्ड कर लेना है, समझे। इससे ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है। देखो इसको ऐसे फोल्ड किया, ये जो सब कपड़ा है ना, ये हमारा 8 कपड़ा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 8 फोल्ड है ये। अभी इसको ऐसे क्रॉस में फोल्ड कर लेना है, तो टोटल हमारा 16 फोल्ड रहेगा। हमें ऐसा कब करना है, जब हमें कमर पे प्लेट्स नहीं चाहिए और ज्यादा घेर चाहिए ना, तब ये करना है, नहीं तो आप हमने अस्तर पे जैसे कटिंग किया ना वैसे भी कर सकते हो। इसको ऐसे क्रॉस में फोल्ड कर लेना है, फिर यहाँ से कमर कैसे लेनी है ना वो देखते। कमर पे हमने अस्तर पे कैसे किया था कि एक बार इसको फोल्ड रहने दिया, फिर ऐसे फोल्ड किया था ना, इसको और एक बार फोल्ड कर लेना है ऐसे, और एक बार फोल्ड करते टाइम जो भी आएगा ना वो हमारी कमर रहेगी। तो ये हो गई हमारी कमर यहाँ पे इतनी सी। जब हमें 16 फोल्ड करना होगा तब भी ऐसा करना, नहीं तो अस्तर पे जैसे किया है ना वैसा करना। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये हो गई हमारी कमर। अभी लेंथ हमें कितनी लेनी है, 12 हाफ से लेके 42 है ना, तो एक इंच सिलाई के लिए, तो 43 इंच पे मार्किंग करनी है। 12 हाफ से लेके यहाँ पे 43 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, ऐसे 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 करके पूरे में 43 इंच पे मार्किंग करनी है। देखो यहाँ पे 43 इंच पे ऐसे मार्किंग कर ली। इधर की साइड कपड़ा ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, वो उसे कैसे लगाना है वो हम सिलाई करेंगे ना तब देखेंगे। ये जो पूरा कपड़ा है ना वो पूरा यहाँ पे ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। अभी इसको काट लेते, पहले हमें कमर को यहाँ से ऐसे काट लेना है, फिर जो हमने ये मार्किंग की थी इसको काट। देखो इसकी कटिंग हो गई, अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसको अभी साइड कर लेते हैं, पहले ऊपर का जो हमने बनाया था उसको सिल लेते हैं। ये कपड़े को ऐसे सीधा रख लेना है, ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट, मतलब आगे पीछे का पार्ट है ना, वो दोनों को साथ में रख लेना है। फिर इसको इसके ऊपर रख लेना है और यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी ना यहाँ पे ऐसे में डबल सिलाई लगा लेनी है इस पे भी, और यहाँ पे जो पीछे का पार्ट हमने बनाया था उसको भी ऐसे सीधे के ऊपर सीधा कपड़ा पे इसको ऐसे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। देखो ऐसे जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उस पे डबल सिलाई लगा ली, यहाँ पे भी अभी आधा इंच छोड़ के इसको काट लेना है। देखो ऐसे आधा इंच छोड़ के काट लिया, अभी इसमें छोटी छोटी कट्स लगा लेनी है। देखो ऐसे कट्स लगा के हो गया, अभी इसको अंदर की साइड कर लेना है ऐसे, फिर वापस से ऊपर सिलाई लगा लेनी है। हो गया, अभी यहाँ पे ऐसे पूरे में सिलाई लगानी, सेम ऐसे ही इसमें भी कर लेना है। देखो ऐसे पूरे में सिलाई लगा ली, अब जो ये ज्यादा कपड़ा बचेगा इसको ऐसे काट लेना है। ये दोनों में काट के हो गया, अभी ये सीधा रखना है इसको, फिर इसके ऊपर इसको ऐसे उल्टा रख लेना है और शोल्डर ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पे डबल सिलाई लगाने ये कर लेना है। और ये जो बाहर की मोरी है ना हमारी, इसकी ये उल्टी साइड रहेगी ना, तो इसको ऐसे दो बार फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे दोनों स्लीव्स में सिलाई लगा लेनी है। ये शोल्डर पे सिलाई भी लगा ली, शोल्डर हो गए और स्लीव्स पे को भी ऐसे फोल्ड कर ले दोनों में। ये हो गया, अभी हमें स्लीव्स लगानी है। स्लीव कैसे लगानी है, तो देखो इसको ऐसे फोल्ड करके देख लेना कि ये जो ज्यादा कपड़ा हमने रखा था ना वो इधर की साइड आना चाहिए, और इसको ये सीधा रखना है, उसके ऊपर ये स्लीव्स को उल्टा रख लेना है, और हमने कट लगाई थी वो कट यहाँ पे आनी चाहिए, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, और इधर की साइड भी सेम ऐसा ही इधर की साइड भी कर लेना है। देखो हमने स्लीव्स भी ज्वाइंट कर ली दोनों साइड की, ये ऊपर का पार्ट हमारा हो गया। अभी नीचे का जो घेर बनाना है वो देखते हैं। ये जो हमने ऐसे फोल्ड किया था इसको ऐसे पूरा खोल लेना है, और ये देखो ये कपड़ा और ये कपड़ा है ना, तो यहाँ पे कोई भी एक साइड को अलग कर लेना है। देखो मैंने यहाँ से काट लिया इसको, ये चार कपड़े रहेगा ना उसको अलग कर लेना है, बाकी ये जो रहेगा ना उसको ज्वाइंट ही रखना है। यहाँ पे ज्वाइंट कैसे लगाना है, तो ये जो नीचे का कपड़ा था ना इसको ऐसे खोल लेना है, खोलने के बाद इसमें से दो कपड़ा है ना इसको यहाँ से स्टिच कर लेना है। देखो ये सीधी साइड और ये सीधी साइड, इसके ऊपर इसको रख लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा ले। देखो मैंने इस पे और इस पे ये दोनों पे सिलाई लगा के इसको ऐसे कर दिया। ये सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, ये जो सीधी साइड रहेगी ना, तो ये कोने में से इसको, ये जो हमने सिलाई लगाई इसको इसके ऊपर रख लेना है। ये हमारी सीधी साइड है ना और ये सीधी साइड है, सीधी साइड पे इसको ऐसे रख लेना है यहाँ पे, और एक पिन लगा लेनी है ताकि हमें समझ में आएगा कि ये बीच में आएगा।
ये एक हो गया, अभी दूसरा भी सेम ऐसा ही कर लेना है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे जॉइंट लगा लिए। जॉइंट कैसे लगाई, पहले हमारा कपड़ा कैसा था, ये ऐसा था ना, मतलब ये ऐसा कपड़ा था, तो इसको ऐसे खोल लिया पहले, फिर यहाँ पे दोनों ये दो कपड़ा और ये दो कपड़ा ये दोनों को मिला लिया, फिर यहाँ पे सिलाई लगा ली। बीसी ये सीधा था, उसके ऊपर इसको उल्टा रख के ये दोनों में सिलाई लगा ली, ये कपड़ा और नीचे का जो कपड़ा है ना उसको ये सिलाई लगा ली। फिर इसको ऐसे कर लेना है, अभी यहाँ पे अभी ज्वाइंट लगाना बाकी है, उससे पहले इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, फिर ये जो कपड़ा कम पड़ा उसको हमने ज्वाइंट लगाना, अभी ये जो है उसको ऐसे काट लेना है। ये जो हमारा कपड़ा था वो बराबर था, तो अभी यहाँ से इसको काट लेना है। देखो इसको ऐसे काट लिया, अभी इसको ऐसे सीधा कर लेना है, वापस पहले था ना वैसा। अभी ये जो कपड़ा बचा है ना, फिर इसको यहाँ पे जॉइंट लगा लेना। अभी इसको ऐसे यहाँ पे रख लेना है, ये जो यहाँ पे कम पड़ेगा तो इसको ऐसे रख लेते है, यहाँ से सीधा कर लेना है पहले, फिर इसको इसके ऊपर रख के यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। देखो जो नीचे वाला हमारा कपड़ा था, इसको ये ऐसे क्रॉस था ना, तो इसको मैंने ऐसे सीधा काट लिया। अभी क्या करना है, ये जो सीधी साइड है इसके ऊपर ये उल्टी साइड है ना, इसको यहाँ पे सिल लेना है, ऐसे रख लेना है और यहाँ पे सिल लेना है। सेम ऐसे ही इसमें भी कर लेना है, ये जो बाकी का तीन है ना ये सीधा है, इसके ऊपर ये जो कपड़ा है उसको यहाँ पे उल्टा रख लेना है और ऐसे सिल लेना है, ऐसे तीनों में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। देखो यहाँ पे सिलाई लगा के हो गया, अभी इसको ऐसे उल्टा कर लेना है और इस साइज का इसको भी काट लेना है, ये ज्यादा है ना तो इसको ऐसे काट लेना है। देखो इसको काट लिया, ये हमारा ये पूरा जॉइंट करके हो गया। अभी अस्तर में जॉइंट लगाना है वो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी जॉइंट लगाना पड़ेगा ना, तो ये उल्टी साइड रहेगा, ये सीधी साइड, इसके ऊपर इसको ऐसे उल्टा रख लेना है, इसको उल्टा रख लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी। सेम ऐसे इसमें भी कर लेना है, ये सीधी साइड है ना उसके ऊपर ये जो उल्टी साइड है इसको ऐसे रख लेना है, यहाँ पे सिलाई लगा लेनी, ऐसे सब कपड़े में कर लेना है। ये देखो यहाँ पे सिलाई लगा के हो गया, अभी इसको ऐसे उल्टा कर लेना है और ज्यादा कपड़ा बचा है ना उसको काट लेना है। अभी इसको सीधा रखना है, उसके ऊपर ये जो टिश्यू नेट है इसको भी सीधा रख लेना है और ये दोनों कपड़े को ऐसे ज्वाइंट लगाना है, ऐसा ही दूसरे में भी कर लेना है। ऐसे हमने सिलाई लगा के हो गया, अभी इसको सीधा रखना है, उसके ऊपर ऊपर के पार्ट्स को उल्टा रख लेना है ऐसे, फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेनी। सेम ऐसा ही दूसरी साइड भी कर लेना है। देखो यहाँ पे सिलाई लगा के हो गया, अभी ये पूरे फ्रॉक को उल्टा कर लेना है ऐसे। उल्टा करने के बाद अभी फिटिंग की सिलाई लगानी। फिटिंग की सिलाई कैसे लगानी है, तो चेस्ट हमारी जितनी भी होगी उसका हाफ करना है, फिर मार्किंग करनी है। कमर का भी सेम, कमर जितनी भी होगी उसका हाफ करना है और जितना भी आएगा उस पर मार्किंग करके ऐसे सीधी लाइन कर लेनी है और नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स में भी मोरी हमारी जितनी भी होगी उसका आधा करके मार्किंग कर लेनी है। ऐसे सिलाई लगा के हो गया, अभी नीचे की साइड को ऐसे दो बार फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है, फिर इसको सीधा कर लेना है और यहाँ पर डोरी लगानी है। ये कैसे करना है ना वो देखते हैं। लटकन बनाने के लिए हमें 5 इंच का फैब्रिक कट कर लेना है, फिर इसको यहाँ पे डोरी को सिलाई लगा लेनी है, फिर इसको दो बार फोल्ड कर लेना है, फिर वापस से एक बार फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेना है। अभी जो दूसरा बनाना है उसमें डोरी नहीं लगानी, ऐसे ही इसको दो बार फोल्ड करना है, वापस से फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेना है। ऐसे हमें बहुत सारे बना लेना है। फिर इसको सुई धागे की मदद से इसके अंदर से सुई को रख के यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है और एक मोती लगा के इसको यहाँ पे सिल लेना है। ऐसे अच्छे से यहाँ पे सिलने के बाद इधर इधर सब साइड पे इसको सिल लेना है, फिर डोरी को यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ऐसे हमारी कुर्ती बनके रेडी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लेना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कॉमेंट सब कर देना। थैंक यू सो मच।